जनपद चंदौली थाना मुगलसराय कोतवाली को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी। चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट गाड़ी मोड़कर भाग रहे बदमाशों को दर्द पहुंचा। कड़ाई से पूछताछ करने पर सारा मामला उजागर हुआ। ऑटो लिफ्टर गैंग वाहन चोरी गैंग के संदर्भ में चंदौली पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जनपद चंदौली के थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा 5 अदद चोरी की बाइक चोरी बरामद की है। चोरी के 5 बाइक के साथ 3 ऑटो लिफ्टर गिरफ्तार किए हैं। जनपद में तथा जनपद के बाहर कई जगह से वाहन चोरी कर चुके हैं। चोरी किए गए वाहनों का नंबर प्लेट खोलकर वाहन को बेचा जाता था। निजी खर्चों आर्थिक लाभ के लिए चोरी के वाहनों को औने पौने दामों में ऑटो लिफ्टर बेचते थे। देखिए, हमारे एसपी सर द्वारा एक रात्रि चेकिंग का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, जैसे डायल 112 की गाड़ियाँ रहती हैं, पैंथर रहती है और रात्रि चेकिंग अक्सर रहते हैं, मिलके अलग अलग पॉइंटों में रात्रि में विशेष तौर पे नए लड़के और बगैर नंबर की गाड़ियों की चेकिंग का अभियान चलाया है। उसमें ये सफलता मिली है। रात्रि में भोपाली की तरफ जाने वाला जो कस्बे से पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से रास्ता है स्लोप, उसके पास में एक गाड़ी मिली थी बगैर नंबर की। उनसे इनके द्वारा कड़ाई से पूछताछ किया गया। इस क्रम में इनके पास से 4 बाइक और बरामद हुई। कुल तीन लड़के पकड़े गए हैं। एक इसमें फरार है, इसमें एक पशु तस्कर भी है। उसके ऊपर पूर्व में 2 बार गैंगस्टर की कार्रवाई हो चुकी है और ये गाड़ियां इनके द्वारा विभिन्न जनपदों से चुराई गई हैं, जैसे जौनपुर है, प्रतापगढ़ है, इस तरीके की। आगे भी कार्रवाई की जा रही है और इनका मिलान किया जा रहा है। ये पेशेवर चोर थे सर? हाँ भाई, पेशेवर, क्योंकि इनका पूर्व का आपराधिक इतिहास है। गैंगस्टर भी इनके ऊपर लग चुका है और गौ तस्करी भी इनके द्वारा की जा रही है। हाँ, पूर्व में मुकदमे 2 गैंगस्टर के दर्ज हैं। कितने? 4 पे? नहीं, मगरू के ऊपर 3 है। हाँ, एक अभी बांछे से चढ़ जाएगा, सिबा यादव बांछे से अभी।